अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। दिस इज हाउ माई पैकिंग इज गोइंग ऑन। और इतने सारे सामान में से कुछ भी मैं लेके नहीं जाने वाली हूँ, ये बस ये बैग खाली करने के लिए था। अभी मेरे को दो और बैग खाली करना है। हेलो एवरीवन, मैं नहा ली हूँ और अभी 5:30 बज रहे हैं। हमारी ट्रेन है 8:15 बजे सुबह का। और मेरे साथ जो लोग जाने वाले हैं वो लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं। हालांकि वो लोग रेडी हो भी जाएंगे तो वी हैव टू वेट, क्योंकि हम लोग 7:30 बजे निकलेंगे रूम से और मेरा थोड़ा सा पैकिंग बाकी है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आई है मेरा टिफिन लेके और मम्मी का कॉल भी आ रहा है। This is how we are going. Hello. ये भी वो दूसरी वाली। ये मेरा पहला दिन का पहला मील है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है बस। अभी एक साथ लिए थे क्या बैग? पता है वो दो पांच का, एक बार पांच का लग रही पूरी। मैं तो लगी रही थी, मेरे से ज्यादा तू लग रही है। पहुंच गए हम लोग। सो दिस इज आवर रूम फिलहाल के लिए एंड दिस इज आवर बेड फिलहाल के लिए। झींगा खाने चलो, चलो उससे बोलना तो हियर वी आर, जहाँ आने का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसी को भी होगा। चलो, ओ माई गॉड, अभी नहा लिया ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग आए हैं झींगा खाने, झींगा मतलब प्रॉन्स खाने। अब सब झींगा नहीं बोलते होंगे ना। अंधेरे के लिए आई एम सॉरी क्योंकि मेरे फ्रंट कैमरा में फ्लैश नहीं है। बहुत डरावना भी लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और मैं भी सुंदर लग रही हूँ। वाओ, मैं भी हूँ वीडियो पे। भैया हिंदी में बोलोगे? अच्छा, खूब मेहनत से बना है, थोड़ा सा कुछ डोनेट करो, ऐसे बोल रहे हैं। ओ गॉड, बहुत गजब लग रहा है। नहीं आया? बाकी नहीं रही है। अरे मेरे पैर के नीचे से पूरा मिट्टी निकल गया। ओहो, ये आया, ये वाला आएगा? नहीं आया। This is called झींगा।
दिस इज वॉट आई वॉज क्रेविंग फॉर इतना सालों से. जब मैं पिछली बार पूरी आई थी तब से मेरे मन था पर मैं खा नहीं पाई थी. दिस इज झिंगा, दिस इज बड़ा झिंगा. या थैंक यू. हाँ दीदी, हम लोग रास्ता भटक गए, बताओ इनको. भटक गए और कितना चलने के बाद भटक गए, बहुत ज्यादा चलने के. क्या बताएं, इतना चलने के बाद हम लोग को अभी पता चल गया हम लोग भटक गए हैं. अब मेरे को हम लोग को नहीं पता कि कितना चलना है. बहुत डर डर के आई थी बेचारी, हिम्मत करके अभी उसी रास्ते से वापस ही जाना है इनको. भटके हुए प्राणी है ये सारे. फाइनली वी आर हेयर इन आवर रूम, मतलब आउटसाइड आवर रूम. शाबित मैन, तो इमीडिएटली इतना ही मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय बाय बाय.